ये कहानी तो नहीं हिस्से करके सुनाई देखी तेन जो हरेक बंद यह गल लगे भी कहानियां जरा इन चादियाँ कौन ही सुनाई सू एक दुनी मल सेठ थी वो सत्त बेटिया थी राजा थी वह दुनी मल सेठ सत्त बेटिया थी वो उन्होंने सत्तां नू कोल बुला लिया कहना बेटियो ए दसो भी तुसी किहदा दिना खाने हो वो सीता कहने पिता सी तेरा दिता खाने सत्तवीं सब तो छोटी थी बीबी रजनी वो कहती जी सीता फिर मैं तो मालक का दिता खानी हाँ वो गुस्सा कर गया दुनी चंद कहना मालक नू तो अज तक मैं दिना तेनू मालक की दे दू वो कहती नहीं पिता मैं तो मालक का दिना खानी है कहना फिर ऐ कर देख दें कि तेन मालक दिता कि ना दिता वो सीए का ब्याह राजे महाराजा के घरे सत्तवीं बीबी रजनी एक पिंगले नू ब्याहती पिंगला भ्याल के लिया हूँ मां मजबूर कुछ कह ना सकी जब रजनी के फेरे हो गए पिंगले दे नाल तां मां कोले गई रजनी कहिंदा भाई कहिंदा रो ना हुण आपदा कर्म खा वो कहिंदी पिता मैं आपदी मां कोले तां जा सकदी आ कहिंदा जा आ आपदी मां नूं कहिंदी चंगा मां मैं तां हुण चली आ पर कहिंदी कूंजां विछड़ के फिर भी आ जांदियां ने पर रजनी विछड़ के नहीं आउंदी हुण कहिंदी की गल कहिंदी ना प्यो दी दित्ती हुई सजा मैं आपदा कर्म खानी है हुण भी खानी हां ते पहला भी खांदी रही हां हुण भी खाऊं पर समय दा नहीं पता किहा जाऊगा हुण बीबी रजनी ने चक लिया इहनूं ते सिर ते धर ली पिंगले दी टोकरी तुरपी सियाणियां दी कहावत आ कहिंदे अमीर नूं मंगणा भी नहीं आउंदा हुंदा मंगण वाला उह मंग सकदा जिहड़ा मंगण जाणदा है आपां कह दिंदे आ तड़के जोगियां दा जवाक चाहदी कुट्टा लैणा जे तड़की आ गया हजे तां बणी नहीं भई गांह हो जा मंगणा बड़ा औखा है हरेक बंदा नहीं मंग सकता वह कहिंदा भाई हुण तड़के मंगण जाया करे चाह पाणी पिंडां दे विच दी हुंदी हुंदी कित्थे पहुँच गई जिथे हजे वह हजे सबूत खड़ी है चीज़ अंबरसर दे विच वो बेरी उत्थे पहुँच गई बीबी रजनी उन्हें बेरी थले टोकरी रखी मंगण वगी अगे तरिंजना च कुड़ियां कर दियां तखड़े घर दियां कुड़ियां कत्ती जाना बीबी रजनी मंगदी फिरदी है कहिंदी कुड़े ये कोई मंगती तो लगती क्यों कहिंदी मंगती होवे तो सौ घरे मरे करूगी तो सीधी आके कहिंदी अपने चाह दे इहनू मंगणी नहीं आता तरिंजना वालियां कुड़ियां ने कोल बुला ली बीबी रजनी कहिंदी भाणे ऐ दस जे तू मंगती होवे तैनू तो मंगणी नहीं आता तू मंगती नहीं हैगी कहिंदी भी ठीक है कहिंदी मैं मंगती तो खैर है नहीं पर कहिंदी मालक ने मौके ते लिया के मंगण लाता मैं तो दुनी मल सेठ की बेटी है एडे वे राजे की धी है पर खानी मैं आपका कर्म है उन्होंने पे उन्हें जो जी मंग गया उन्हें यह पाता हूँ उधरों तो वह खैर लेके मुड़ी आँदी है उधरों उन्हें की वेख्या पिंगले ने कौत गुरु अर्जन देव ने दिखाया आपका काले कांग पानी च बढ़ जा करन बगे होके निकलिया करन हंस मामा निकली गए उधरों भी पिंगले की निगाह पेगी भी यह की गल पिंगले ने आपकी टोकरी चो रुड़िया वो बेरी दी फड़ के एक डाणी नूं वड़ गया तला दे कोड़ कट्टा गया शरीर कंगन वर्गा हो गया कंगन वर्गा शरीर हो गया उहदी टाहणी फड़ी हुई थी वो हथ रह गया कला कोड़ वाला जदों कोड़ वाला हथ रह गया भाई उधरों मार के टोकरी मुद्दी बह गया उत्ते जी टोकरी दे विच पिया थी मुद्दी मार के उत्ते बह गया हुण बीबी रजनी आउंदी आ मंग के कोले आ गई पर उहदा हीणा नहीं पिया कोले लवे लगन दा कहिंदी जी भाई तुसीं ते मेरा बंदा कित्थे छड़ता मार के उह कहिंदा रजनी मैं ही है कहिंदी ना वो तो कोड़ी है वो तो टोकरी के बिच पैन वाला तू तो टोकरी के उत्ते बैठे कहना मैं हाँ रजनी तू आ जा कोई ना डरना पर रजनी परमात्मा मनन वाली थी आ गई कोले
उन्हें हाथ दिखाता कहना देख कहती फिर जिमें तू ये हो गया ना हो कहता डाणी नू रह गया हथ तह पाया मैंने आज मैं डुबना जावा गह मेरी डाणी फड़ी हुई थी कहना काले कांग बड़ी गए न हंस बनवा निकली गए ने कहना मैं कौतक देख के मैं हौली हौली रोड़ रोड़ वो तलाए के कोले पहुँच गया कहना मेरे डाणी हथ च आ गई मैं फड़ के डाणी पिछे डुब गया कहना जिन्ना मेरा शरीर डुब गया उन्ना मैं कंगन वर्गा हो गया वो कहनी मैंने तो यकीन नहीं ऐ किवें होई ते वो कहना मैं दिखा दिना तेनों वो कहनी दिखा चाहे ना दिखा मैं नहीं मनती चीज़ नूं मैं तेनों पति नहीं मनती जद तक मैंने सच्चाई का पता नहीं लगता वो कहता कोई गल नहीं चल मैं किरा तेनों दिखाता दे मैं तजर्बा उन्हें बांह विच पाई जो दूजे पासे बांह कढ़ी कंगड़ वर्गी हो गई पर रजनी नूं यकीन तां गा भरोसा ना होया वो कहती जी मैं तो उन्ना चिर मनती नहीं कहना फिर मनेगी किवें हुण कहना ऐ करदे आपां इन्नी दूर आपां तो इत्थों गुरु अर्जन देव का सत्संग हुंदा उस समय दे विच गुरु अर्जन देव किड्डी उम्र दाती जो बीबी रजनी गई है उहदे कोले सिर्फ 21-22 साल की उम्र थी नवी उम्र दाती हुण बैठा गुरु अर्जन देव दमान लगे ने और बैठे ने बिच जाके बीबी रजनी बैठ गई पिंगला बंदा किन्नी बह गया तो बीबी रजनी औरतां किन्नी बह गई बैठे ने सत्संग बिजन की उड़ीक है दोनों मन दे विच पूरी तुस है हुण कि जदों सत्संग उजड़न लगी रघाटन तो उठ के बाबा जी अपने पैरां च जुत्ते पाउण लग्गिया तां बीबी रजनी जाके हथ बन्न के खड़ गई नले पिंगला कहना भाई कहना की गल है बेटी कहती हजूरो कहती है मेरा पति कहना मैं पति है पर मेरा पति पिंगला है मैं मन नहीं रही कहना भाई मनना जा ना मनना तेरी मर्जी रही पति तो यही है तेरा कहती है किवें हो सकता जी कहना हो सकता कहते जो तो तू कह भी मैं वह मालक का दिता खानी है तो फिर मालक दे जाता खाई चल पी वो कहती जी फिर मैनू वचन दे दो कहना एक दो तीन वचन देते तेनू जिहड़ा मर्जी मंग लिया करी तेनू हाजिर हो जा करो कहती भी ठीक है हर सत्संग जाया करे बीबी रजनी जो बीबी रजनी हर सत्संग जाया करे गुरु अर्जन देव वह भी जानी जाना उन्हें ही पता लग गया हौली हौली अज कुछ कल कुछ अज कुछ कल कुछ मंदिर चल ले जिन्हों आपां पंजाबी दे विच महल कहने राणी बन गई कि राजे दी धी थी हुण उधरों जदों जिहड़ा कहिंदी वी असीं तेरा दित्ता खानी है वह दिहाड़ी लग गया करन को खेड़ा मालक दी उत्थों कहने आपां आम कहावत है इह पंजाबी दे विच अके राजे नूं तां भीख मंगा लैंदा जोगी नूं राजा बना लैंदा उदों बनाई थी उह दुनी मल चंद सेठ राजा सज विच चल लाता देख परमात्मा दी केड़े एडा वड्डा राजा सज विच दा फिरे किंकर विच सब कुछ गया हुण उधरों लंगर चलाता बीबी रजनी ने भी कोई मर्जी सको भंडारे चलिया कर हर रोज गरीब जनता हरे खा के मुड़िया करे बीबी रजनी नूं पता लग गया मेरा पिता आ गया भंडारे दे विच सज लेके बीबी रजनी कहिंदी वी ऐ करो भाई जिहड़ा उह सज्जां वाला आया बाबा उहनूं गाहां तोड़ दो उहनूं रोटी मैं सिखाऊंगी रोटी सिखाउण लग गया उहदे पिता नूं बीबी रजनी जदों उह रोटी दे के उदों वी सूट बदल गई जदों पाणी धरना ई उदों वी सूट बदल गई जो कोई चीज़ लेके उदो सूट बदल गई जिन्ने बार दुनी मल छेड़ते आई कोले उन्ने बारी बीबी रजनी ने सूट बदले क्यों मीरी दिखाई आपकी फिर भी मीरी तो तेरे को भी ती मीरी मेरे को भी है समय के टाइम समा हों उन्हें रोटी खा के तो कुल्ली कर लग्या बीबी रजनी के पैरों पर मरी भी राणी कोई सूट क्यों बदलती है कहती पिता पिता
राणी में कोई है जाता तेरे को कभी राजनीति नीति थी तू अमीर थी उदो कहती तू पता कर्म पोखता थी भी कि खिदे खाता याद है दुनी चंद सेठ तो अखा चो उथरू चल पे कहना भाई मैं सुनी तो हैगी थी गल पर होंगी मैं पहली बार वेखी है वो कहती किमें कहना इन्ना कदा मैं जरूर सुनी थी भी जोगी तो राज दिखा भी दला राजे भीख मंगन ला आंदा पर कहना वाकई सही मंग ली वो कहती पिता तेन मैं आख्या भी कि कर्म खानी है हूँ दसो कहना भाई आप दी खाता हरेक कहती पर तैं उन्होंने कोई कहा भी मेरे कर्म खाने कहते लाए कर उन्हों को भी मैं मिलूँ जग उत्थे भी चलाऊँ तू मेरे नाल चली बीबी रजनी ने दुनी मल सेठ राजा अपने को रख लिया उन्होंने कहते ऐ कर पिता आ लीड़े ला दे सारे भी वधिया चंगे वस्त्र पा लै मुके उन्हें सज मारे पर चला के चंगे लीड़े पा के बह गया हूँ फिरदा तुरदा रहा उन्होंने नाल बीबी रजनी ने गुरु अर्जन देव की आज्ञा लेके तो गुरु अर्जन देव का सत्संग उस पिंड रखता जिथे वह सीए भैं बही हुई थी दुनी मल सेठ ने सत्संग चलता भाई लंगर चल पाया पूरा खुला हूँ लंगर तो कितने भी चलता अपने थोड़े कहीं फलाने ने चलाया हरे कहीं कहना भाई गुरु का लंगर चलता हूँ उत्थे ढंडोरा मच गया पीपा बज गया भी भाई गुरु का टुट लंगर चल रहा है आपका किसी ने भुखा ध्यान नहीं मुड़ना लंगर छक के आऊ हूँ उत्थे दुनी मल सेठ की पत्नी चौंका संभरती फिरती है किसी का चौंका संभरते चौंका मतलब पंजाबी दसदा चुल्हे नूं कहने हुंदे आ संभरती फिरती है उहदे कन्नां च पीपे की आवाज़ गई उन्हें आख्या भी लंगर पानी चलता कितने कहिंदे ने भी आपां देख आईए खाईए जब लंगर खाण गई तो सत्ती प्रताप का भोजन चलता थी उस वक्त बीबी रजनी का बागी कहिंदी भी जाके भाई उहदा बर्तन चक ले हुण बीबी रजनी ने देख लिया मेरी माता भी पहुँच गई कौन कहा था ना जांदी नूं भी जी भी हिलाउणी थी हिलिया आंदी माड़ा जा क्यों पिंगले नूं बिहाउणी थी ऐं कहना थी भी तेरा दित्ता करने पर नहीं रजनी सच्ची थी उन्हें आख्या भी मौका आ गया हुण मां नूं पुछण दा बैठा दुनी मल सेठ हुण भोजन छकण लग गई उसने कुछ भोजन लुकाउणा शुरू करता सकदी सकदी ने क्यों उन्होंने अपनी बेटियां का संसा होगा उन्होंने जिड़िया राजा के घरे बहियां थी वो कहना भाई आ गया देहला वो आके कोले खड़ गई बीबी रजनी कहती माता प्रसादा हो शक ले लो लिया भाई उन्हें कई तोरे प्रसादे वाले सेवादार हरेक नूं कहते लिया भाई प्रसादा पानी उन्हें खुला सामभ लिया जो तो उठ के खड़ी खोन लगी बीबी रजनी ने पिछे दिया मुंडा फड़ लिया कहती माता बरसादा पानी होर ले जा लुको के नाल जाया करा सेंधक लेके जा वो कहती मगर झाकी जनू मगर दुनी मल सेठ नाल खड़ा सियाने कहते हुण जे जो पति आ उन्हूं कहिंदे भुल जू उन्हें दुनी मल नूं देख के अखां चों उथरू छिट्टण लगी कहिंदा राणी अखां चों उथरू छिट्टण दा टाइम नहीं हसण दा टाइम है कहिंदी क्यों कहिंदा तैं जिहड़ी गल कही तूं उन्ना कि तैनूं भी डंड मिल गया जे तूं कहिंदी भी हाँ तां आपदा कर्म खाऊगी तां तैनूं कहिंदा किसी ते चौंके संभरन दी लोड़ नहीं थी मैथों तड़ा पाप होणा ते हो गया पाप तूं भी कर बैठी कहिंदा ऐ कर कुड़ियां नूं कह भी रोटी लंगर छक क्यों आ गया उहने फिर भाई उस वक्त बीबी राजनी ने गुरु अर्जन देव नूं बेनती की भी मालका सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव तो उन्हूं कहाया दुनी मल सेठ तो भी पापी मैं है मेरा पाप मैनू मिलना चाहिए मेरी लाद नूं ना मिले जिहड़ा परिवार मन के चलो उन्हें सीए कुड़ियां बहियां ती उन्हां नूं गल मुकदी कर भुखियां मरदियां नूं लोकां दा
धंधे करने पै गए राणियां नू, समा पाल्टी मारदा है। उत्थों कहावत बनी है फिर ये आला कहिंदा जोगी तो राज करा सकता है परमात्मा जे आप जी ते जे राजे तो भीख मंगा लैंदा है। उदों मंगाई थी फिर उदों दुनी चंद राजे तो भीख, भीख ही होगी तो सच बेचण ला तां भंडारे विच रोटियां खाण लग गया जाके, जिहड़ा अगे रोज़ जग करदा ते आपदी भांच उहदा मलमल दे रैसम ते बैठ के रोटियां खांदा ते तां पलंगां ते, वह भावें लंगर च उत्थे बह के खाण लग गया रोटी। इहनू कहिंदे ने भी राजे तो भीख मंगाई। क्योंकि फिर जदों आईआं सीए सीओ आए उन्होंने पति, फिर उन्हें अर्जन देव नूं बेनती की महाराज सच्चे पातशाह भी गलती बाप तो हुई है, इन्हां तो नहीं हुई, चल ठीक है मजबूरती है, मजबूरी तो इन्हां नूं कहनी पेगी गल भी असीं तेरा दित्ता खाने, पर अज तक किसी का दित्ता नहीं खाने मालका, अज तेरा दित्ता खानी है खवा। क्योंकि फिर मालक ने मन के चल उन्हां नूं बनाया फिर राणी उम्मीद करी, फिर रजनी नूं कहा कहिंदा रजनी बेटी गुरु अर्जन देव ने गल कही उन्हूं, फिर कहिंदा तेरे जिहड़ा भरोसे वाला नां तां कोई होया ना होवे ना अदू बाद होणा, जद तक दुनिया रहू उद तक तेरी कहिंदा इह भरोसे की कहावत चलती रहू, चलती है सुनिए तां सुनाई है मैनूं दो तीन चार दस पंद्रह बंदिआं ने कहा गल, कहिंदे भी जां मूसन दी सुना बीबी रजनी की कहानी सुना, मैं भी सुनाऊंगा अज तां सुनाई है, दहन पानी पी लिया बंद कर देना।